एक यात्रा सुंदरगढ़ जिले की, उसके अंदर तथा उसकी तरफ जो जंगली क्षेत्र है वो अपने आप में मंत्रमुग्ध करने वाला अनुभव है। आगे ये यात्रा हमें एक छोटी सी जनजाति की ओर ले जाती है जो वहां के बोलचाल की भाषा में किसान कहलाते हैं। ये जनजाति अनेक राज्यों के छोटे छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में वे मुख्य रूप से संबलपुर, देवगढ़, केउंझर, मयूरभंज, झरसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिले में पाए जाते हैं। किसान जनजाति की आस्था प्रणाली काफी अनोखा है। वे अपने पुरखों तथा प्राकृतिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं। वे ये भी विश्वास करते हैं कि जीवित तथा निर्जीव वस्तुएं बहुत उम्दा तरीकों से मानव शक्तियों को काबू कर रखे। बीमारों का इलाज कुछ हद तक उनके परंपरागत प्रणाली जादुई धार्मिक इलाज में ही सीमित है। यद्यपि आधुनिक इलाज जैसे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक का भी सहारा लिया जाता है। जो जादूगर इलाज करते हैं वे माटी कहलाते हैं और नीम हकीमों को कविराज कहा जाता है, जो अब भी पारंपरिक ज्ञान को अपनाते हुए बीमारियों का इलाज करते हैं। पूर्व पुरुष रू हमें किसी ज्वर तो पहले हमें एंती गुनीमती करूँ और लोग मैंने हमारे गुरीमती करा पहले रोग मैंने ठीक हो जाती से लगे समस्ते विश्वास करसन आमके सब बोले गुनीमती डाकसन। तहसील टोपो जौतुक बाहाल का एक मूल निवासी जो औषधि माना के रूप में लोकप्रिय रहा है, उसकी कथा बहुत दिलचस्प है। ए मेडिसिन पर तो जो चरी मुली रो एटा हमर आई बापा रो माँ ये सब जानू थी तार पीड़ा हो थो कि गोड़ हाथ दरद हो थोने विभिन्न गच्छ पत्र छाड़ी से संग्रह कै मुझे पाठ पढ़ु थी छः सात क्लास से समय रे भी मोर आई बुढ़ी एटा आनबू सेटा आनबू से कहे मुझे आने आउ दिए पिसा पुसी एम करूँ तापर मु भी केतटा गच्छ खुट जान ली चेरीबुली भी संग्रह करूँ सबकि जड़ीबुटी पाखे भी मिले आम जोता राउरकला नला रोड गृहस्थी दुकान अच्छी से जड़ीबुटी सब बिक्री हुए तो आम जो बहीटा पढ़ला कौ कौटा दरकार मिले आम सब लिस्ट करूँ आ जाओ से लिस्टा देदेले सामने देवे जमती ये भलिया चेरीमूली देवे से काटिकी सुखे देवु ताप जमती उटा है हम दस्तार जमती चूर्ण कराई तो ये भलिया करूँ बाहर भी कतटा गच आणु आखेपाखे अच्छे आ सब गच तो लगे हेनी तापर आम सैड बाड़ी सैड सैड विभिन्न जगार भी लगे देसु विभिन्न गच चिरेता जहाँ कि चेरीमूली सब जंगल अच्छी विभिन्न जगार विभिन्न जगार अच्छी दरकार पड़े आणु बात रोचे पशु प्रकार बात बड़े जमी वृद्धसी पक्षघात झिमझिमा गंठी सब बात रोचे आ झी मान जो प्रिय गंडगोल हुए ताकू भी आम से छाड़ी माली पत्र फूल सब संग्रह कर रखि थो से भी काढ़ा बन कर देगला आम सन्ठी पिपली गुल्की आम से संग्रह करूँ जमती एवं ये मानने काढ़ा तैयारी करढ़ा आकार खावाक दूप तेल तैल भी प्रस्तुत करूँ दिन को तीन थर चार थर मालिश कले रक्त संचलन हे स्नायु गुड़ाक छाट हे पीड़ाटा भी कमिज आम जाइल कर्मान सेवा को मुझे गोटे झुमका बजाऊ थी जो हाथ में बजे झुमका बजाऊ थी से झुमका हाथ रू आपे आपे खसीगला मु आश्चर्य होगी कहीं बोल आगु तो सदा किसी जना पड़ ना तापर ठीक से कहे सांगे सांगे यहाँ को डका है तहसील आसिक कह ना ना मुझे आनी तैलटा से तैलटा मालिश कर प्राय गोटाए पखापाखि दुई थर खंडे आउ थे मालिश कले से मोर सब क्लीयर हो गला कि जना पड़लानी ब्लड प्रेसर मेडिसीन दिजो जो कि ब्लड प्रेसर टे कम लगी आम जो सजना पत्र कौन से सजना पत्र अगी पत्र को किसी पिसी देवे आउ
पीदे से शांत हो जाए न्यूट्रल हो जाए न्यूट्रल हो गला परे जाकू जो पारालीसीस टाणी दी तार सिरा गुड़ाक टेढ़ा मेढ़ा ही थो दरकार बोले ब्लड भी सर्कुलेसन हेनी तेणु आम जो राशि तेल कांटी प्योर राशि तेल अकरकरा सन्ठी पिपली गोलकी नाकेसर अनेक गुड़ी आम जिन मशेक क्वाथ करूँ क्वाथ कलापर आम तेलटे डालू तेल डाली जमीक सीझीज पूरा लाल होल्हेबू बसईदेबू रातिटे बस दस बार घंटा से फिल्टर है छाड़बू आउ से तेल को मालिश करवा लगे देव से तेलटा मुझे सब रखे घरे आ मोर मिसेस तो सब बेले से तार दरकार जमी बाड़ी कम फाम करवाके देह हाथ गोड़ बतौची सेतक से तेल टे निश्चय से मालिश करेंगे हेले जाने से शांति से शुपार सात वर्ष एबे हो गलानी मते आउ से सब पारालीसिस फारालीसिस किछि नै होरिडा बाहाडा ओंला बेलो कुरेई सतावरी तथा अन्य औषधीय मूल्यवान बीज पत्ते तथा जड़ों का प्रयोग अनेक प्रकार की औषधि बनाने में किया जाता है। काश कफ जहाँ हो छाड़ूनी काश कफ लगे सारी मेडिसिन बनाई जमती कि ये मेडिसिन सब मिसेक पाग करके देखु ठीक ए भाया गुली करदेबु गुली करदे चुषि चुषिक करेंगे कफ को से पेट भेद को नहींजीव आश हेनी छिंक भी हेनी सर्दी को भी से मारिदेव पाइल्स तेलिया जिनस खाइबा द्वारा पाइल्स भी बढ़ी जाए गजाजुक्त भी होते खसु भाया फुसरी फुसरी भी होता तो ब्लड भी पड़ब से मल मल को नरम कले जाब बणमूला बणमूलार तर छाली चेरर छाली आ हरितकी आ किसमिस आम मेल्ट करदे आबार लगे दू मल जदि नरम हो गला झाड़ा क्लीयर जीव पेट सफा हो आस्ते आस्ते जड़ी खत्म होती जमी मिर्गी जदि मुंडे जदि आघात लगी थाए ब्लड बाहरी थो न बाहरी थो खाली से ब्लड जमा हो किसी दिन पर गोटे कीटाणु भाया होकरी से सृष्टि कै से हूँ मिर्गी अपस्मार जहाँ को जो कहपाई मेडिसीन जमीक बच महामारी बच भी अच्छी साधारण बच भी अच्छी ताकू आम चूर्ण करदे अश्वगंधा तापर मथा मिक्स करूँ आउ भी खाबार लगे चूर्ण आकार सकाले खाली पेट रे खाइबो एक चमच उषम पा पीदेव संध्या भी खाना न खाई देवा पूर्व फिर एक चामच खाइब पा पीब तो से कंटिन्यू कले से मानने क्योरफुल आए जहाँ ज्वर बेस दिन रहीगला औषध पत्र किसी कले कि हस्पिटाल गले कि कौन सी कले जंडिस होगा सत प्रणी कह जाए तर चेर पत्र फूल सबूत पंचांग को आम सीझे दे काढ़ा बनई दू से काढ़ा को भल आकार सुरस लगे गोलकी सन्ठी पिपली किसमिस काजू ये सब मिक्स कर दूँ कहीं भल जिन विटामिन जिन शरीर टे मैं ब्लड अंश कमी जाए तेनाली पीले से पेसेंट भी पेट को भी काम देव शरीर को भी काम देव से रोग को भी हटे धनतारी पूजा धनतारी गच वृक्ष जो धनतारी धर्मदेवता को गोटे निजर हिसाब से श्रवण करूँ जे ये यहाँ चेरी बोली मानने जोटा दौ लोक को तो ये लोक जमीक भल हो गले भगवान निजे साहा करूँ यहीटा आलग किसी नहीं। केवल सुंदरगढ़ इलाके के लोग तहसील टोपो से आयुर्वेदिक इलाज करवाने नहीं आते बल्कि संबलपुर देवगढ़ मयूरभंज एवं केवंझर जिले के लोगों के बीच भी वो काफी लोकप्रिय है। तो ये प्राय सब जगह हॉस्पिटल हो गलानी आउ लोक हॉस्पिटल भी अच्छा किंतु गाँ गलिया ये अच्छा जो आम जंगल भितर अच्छे हटात रात अधराति मैंने लोक आसुँचु दे ठीक ही जो से माने भी हॉस्पिटल जाऊ ना बहुत बरस है एखेन ईस पतरटा करा जाऊचे जे बहुत लोग भी आसुछन भल भी होछन औषध बनबारे समस्त सहयोग करते छुआ मो पु भी करे, मो बहटा भी करे, बंची थार पर्यंत करी आउ छुआ पिला बतईदेवी आ
किसान समाज एक प्रकार से शिक्षात्मक ज्ञान का विस्तार करता है। इसकी सजीवता, आत्मनिर्भरता, प्रशासन की सादगी तथा इसकी बाहरी दुनिया के प्रति जो दृष्टिकोण है और साथ ही वातावरण के साथ इसका जो अनोखा समन्वय है, हर एक पहलू इस जनजाति की अपने आप में एक संपूर्ण अध्ययन की विषय वस्तु माना जा सकता है।